हाय गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुधीर हजीत व्लॉग्स। तो आज एक स्पेशल दिन, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ सरस्वती कंप्यूटर एजुकेशन निरवा। एज अ स्पेशल गेस्ट मुझे बुलाया है और व्लॉग शूट करने को बुलाया है, तो इट शोज़ कि आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद आ रहे हैं और आप उसको प्यार दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। और सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग पूरा देख रहे हो और वॉच टाइम अच्छा दे रहे हो, और इसे ये समझ में आता है कि यू आर लाइकिंग इट। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो मैं अभी तैयार हो रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ सरस्वती कंप्यूटर एजुकेशन, जो कि एक निरो में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन मिलती है। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे एनुअल फंक्शन है, तो जो भी चीज़ें होगी मैं जो भी शूट कर पाऊँगा वहाँ पे बैठे बैठे, तो मैं ज़रूर करूँगा। और यही कुछ आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। बैक टू बैक व्लॉग्स आएंगे, 3-4 व्लॉग्स बैक टू बैक आएंगे, हर 2 दिन में व्लॉग आएगा, तो बने रहिए। तो ये है पंचायत घर जहाँ पर होना है सरस्वती कंप्यूटर एजुकेशन का एनुअल फंक्शन। सरस्वती कंप्यूटर एजुकेशन न केवल हमको बुकिश नॉलेज देता है, कंप्यूटर की नॉलेज देता है, बल्कि हमारे इमोशनल क्वेश्चन को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसको हम स्किल्स कहते हैं। हमारी स्किल्स को डेवलप करने के लिए तरह तरह के फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। श्री पदम सिंह जी, ये है हमारे टीचर्स की कला, ये है उनका काम करने का तरीका। हवा मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। होने वाला है गाइस हिप हॉप, और ऐसे पहले चल रहा था पहाड़ी संगीत और अच्छा चल रहा है यार, मजा। लेट्स सी। परफॉर्मेंसेज हो रही है यहाँ पे और मजे आ रहे हैं साथ में दिशु भाई, और ये देखो नीगी जी द डायरेक्टर ऑफ द हब। अब होने वाला है पंजाबी डांस, उड़ता पंजाब। अपनी जिंदगी में छोटे से सीखा है जिस Mr. Padam Negi sir,
जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आप लोगों के बीच यहाँ पर आया हूँ। चांसलर जी का भी सम्मान हो गया है। आप अगला नंबर है। जीत तो लड़ाई सकती दिशु भाई। बचपन आए आपको की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। एक बार फिर से ऐसे ऐसे युवा अगर उभर के हमारे सामने आएंगे तो सचमुच हमारा मनोबल सातवें आसमान में पहुंच जाएगा, क्योंकि हम सभी को यूथ की जरूरत है। एक यूथ, एक युवा किसी भी देश की नींव रखता है। कार्यक्रम का जिस तरह से मैं देख रहा था, यहाँ पर जो मंच संचालन कर रहे हैं बहुत शानदार शेर व शायरी के साथ मंच संचालन हुआ। थोड़ा सा इसी अंदाज में शुरुआत कर लेते हैं। हालात के कंधों पर सिकंदर झुका नहीं करते, टूटे अगर तारे जमीन पर गिरा नहीं करते। गिरती है बड़े शौक से समंदर में नदियां, कभी किसी नदी में समंदर गिरा नहीं करते। बहाने हुए मजा आया। अपने कदम जी का तो जज्बा सेवा का है, सेवा में नेरवा पंचायत के वाइस प्रधान सुरेंद्र चिंटा जी, जामता जी, शिशु तंगड़ाई और एक ऐसा नाम जो पूरे अपने पूरे क्षेत्र को बुलंद किए हुए हैं, भाई सुधीर हरजे, और इसी साथ साथ मंत्री जी और अमिता राम पूरा फोकस समोसे पे चला गया है। बिल्कुल भी कोई भी नहीं भाषण सुन रहा है, ये समोसे के लिए बिल्कुल उत्साहित हुए हैं। जैसे छोटे बच्चे हम करते थे ना बचपन में, ये मुझे खाने को मिल रहा है। ये जाओ मैं बात सुन रहा मुझे खाने देगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमारे पास दो गारमेंट्स के ओनर्स बैठे हैं, डिवेंची वाले चास्टर जी बोल रहे हैं कि पैंट मेरी तरफ से, और दिशु भाई ने बोल दिया शॉर्ट मेरी तरफ से। बड़ा हरामी हो बेटा। ये देखो यार, आप समोसे और चाय, आए हाय समोसे और चाय, आए हाय। इसी जगह पर एक छोटा सा अपना होटल चलाया हमारे, लेकिन हमारे कुछ वहाँ पर ऐसे टीचर थे जिन्होंने कुछ भाई टूट पड़े हैं समोसे, उन्होंने मेरी भूख लगी है। हैप्पी जिंदगी, हैप्पी बॉडी है ना, बॉडी है। और अब आती है बारी हमारे बड़े भाई सुधीर भाई, जिन्होंने के एक नारा बुलंद किया था, आपको मालूम ही होगा, सबको पता है क्या है? बना नहीं बनाए तो जी हाँ, आप अभी सुनिएगा, वीरों की भूमि खेड़ियों का देश, सुना था? वीरों की भूमि खेड़ियों का देश चौपाल नेरवा हिमाचल प्रदेश है। नेरवा का वो टूर्नामेंट था जब ये नारा बुलंद हुआ था, और आज नेरवा ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में ये मैक्सिमम आप देखेंगे यही नारा कमेंट में। हमारे आरुष हांडा जी है, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने पूरे भारत वर्ष में इस नारे को बिल्कुल बुलंद किया है। सुधीर भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारे बीच। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मैं जितना मोटिवेट करता हूँ सभी को, तो मैं हर जगह प्रेजेंट कंट्री स्कूल से लेकर हम पूरे इंडिया में घूम चुके हैं। मार्शल आर्ट के लिए सर से भी मैंने बात की है, देगी सर से की हमेशा स्टूडियो चाहिए सुधीर अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, और हमारे बहुत तेज हो रहे हैं आशु प्रसाई के नाम से इनका जमा तालियां बजा दो और सबके साथ सब्सक्राइब कर देना। Thank you.
आइडल फंक्शन है अपनी पूरी पूरी भूमिका के बड़े हो जाए क्योंकि बहुत का मौका होता है ऐसा जब महान लोग हमारे बीच आते हैं हमें थोड़ा बहुत सम्मान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और उसके साथ आए हुए नए हमारे तहसीलदार तहसीलदेव श्री श्याम ठाकुर जी और राजीव त्यागी जी मुकेश साहका जी सुधीर हर जेठ जी विश्वकर राय जी श्याम प्यासा जी और एजुकेशन के बारे में आप ही दिन आगे बढ़िएगा जो रस्ता दिया समाज की प्रक्रिया तो आगे चलती रहेगी। चांद को भी गुरूर है कि उसके पास नूर है लेकिन वो ये नहीं जानता कि हमारे पास सुधीर हरजेठ जैसा कोई नूर है।